प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वास्तु शास्त्र की। आप धन से परेशान रहते हैं, व्यापार में पैसा खूब आता है, पैसा बचता नहीं है, इधर से आता है इधर चला जाता है, इस हाथ से आता है इस हाथ में चला जाता है, पैसे की कमी भी नहीं रहती है और कर्जा भी लगातार बना रहता है। यानी पैसे की कमी नहीं, गाड़ी की कमी नहीं, बंगले की कमी नहीं, कोठी की कमी नहीं, लेकिन फिर भी हैंड टू माउथ रहते हैं। कारण क्या है? पैसा क्यों नहीं बचता? अनप्लान्ड खर्चा क्यों हो जाता है? कभी कोई मांग के ले गया, पैसा आने की देर नहीं होती, जाना तुरंत चला जाता है, बीमारियों पे लग जाता है, अचानक ऑपरेशन हो जाता है, अचानक गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, अचानक बच्चों की फीस आ जाती है। यानी आप अगर कुछ जोड़ के रखते हैं कि इस पैसे को हम जोड़ के रखेंगे, इससे कुछ खरीदेंगे, लेकिन तुरंत किसी की शादी बात चोचक आ जाता है। यानी इस प्रकार की समस्या हर घर में होती है, लेकिन कुछ घर तो ऐसे होते हैं जहां पर पैसा पैक रहता है, बोरियों के हिसाब से भरा रहता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपका धन, आपकी तिजोरी कहीं गलत दिशा में तो नहीं रखी हुई है, और इसके वैज्ञानिक आधार भी बताएं, जिससे कि आपके पास अपार पैसा आए, पैसे की कमी आपके पास ना रहे और धन लगातार आपके पास बना रहे, यानी किसी चीज की कमी ना रहे। तो आपको अपने पैसे को कहां रखना चाहिए? यह तो निश्चित तौर पर सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर मान्यता ऐसी होती है कि हमारी चार दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं, चार कोण होते हैं, इनके भी देवता होते हैं। तो इसलिए धन को प्रिजर्व रखने के लिए, धन आपके पास हमेशा बुरे वक्त पर काम आए उसको रखने के लिए, तो हमें उन दशाओं का ज्ञान रखना चाहिए। अब घर में कोई खर्चीला आदमी हो, अनप्लान्ड खर्चा करता हो और घर की चाबी उसको दे दीजिए तो पैसा नहीं बचेगा। घर में कोई बहुत प्लानिंग के तहत काम करता हो, उसको आप खजांची बनाइए, चाबी दीजिए तो पैसा बहुत सोच समझ करके देगा, पूछेगा चार बार, बच्चे ने पैसा मांगा, किस लिए चाहिए, कितनी फीस चाहिए, कहाँ खर्च करेगा, किधर जाएगा, क्या लेगा, वो सब चीज़ें फिर आपको बतानी पड़ती। तो आज मैं इसी विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। निवेदन करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ और वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे सबको इसका लाभ मिले, सबको इसका भला मिले। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ कि हमारी जो दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिसके अंदर दक्षिण दिशा विनाश की होती है, यम की दिशा होती है, पश्चिम दिशा शनि की होती है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है नैऋत्य कोण वो राहु का होता है, और राहु राक्षस ग्रह होता है, और इसके जस्ट सामने बृहस्पति का घर होता है जो ज्ञान का कारक होता है, यानी ईशान कोण होता है, और जो उत्तर दिशा होती है वो दिशा कुबेर की होती है, यानी कांस्टेंट दिशा होती है, और पश्चिम और उत्तर का कोण है वायव्य कोण बोला जाता है, जहाँ से धन आता है, क्योंकि वो दिशा हमें देती है, और ये चंद्रमा का होता है, यहाँ पर चंद्रमा अमृत देता है, और जो अग्नि कोण होता है ये शुक्र की दिशा होती है, जहाँ पर हम किचन रखते हैं, घर के सामान की चीज़ें रखते हैं। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं, अगर जहाँ से धन निकलने का रास्ता हो, बाहर जाने का रास्ता हो, वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ रख दो तो वो चीज़ वहाँ रुकेगी नहीं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो मंदिर का एक फूल लेकर के अपने साथ ले जाते हैं, अगर फूल की टोकरी बाहर रखी होगी तो। चढ़ाते वक्त आप सामने चढ़ा देते हैं और जब निकलते वक्त लेके जाते हैं। तो जहां से आपका धन का निकलने का रास्ता है, वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो ईशान कोण में होता है, मल विसर्जन उत्सर्जन अंग, मल द्वार, यूरिनल, ये सब साउथ वेस्ट में होते हैं, नैऋत्य कोण में होते हैं, राहु की दिशा में होते हैं। अगर आपने वहां पर तिजोरी रख दी, अगर वहां पर धन रख दिया, तो उसका विसर्जन निश्चित है,
वहां पैसा बचेगा नहीं, खो जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, और वो बीमारियों में पैसा आपके जाता है, बचेगा नहीं, क्योंकि आपने विसर्जन के द्वार पर रख दिया। ये साइंटिफिक बता रहा हूं, क्योंकि वो दिशा ही राहु की है, यानी जहां पर सूर्य डूब रहा है, डूबती हुई जगह पर कोई चीज रखी नहीं जाती, प्रकृति का नियम। बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट, मैं उनको कोई बुराई नहीं करता, वो बोलेंगे कि आप साउथ वेस्ट जो है घर के मुखिया का घर है, वहां पर आप खजाना रख। साउथ वेस्ट मुखिया का घर बुजुर्गों का इसलिए बोला गया है कि वहां लो एनर्जी होती है, और बुजुर्गों को हाई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बच्चों को हाई एनर्जी की जरूरत होती है। जो पेड़ बड़ा हो जाता है, पक जाता है, वो बिना खाद पानी के भी जिंदा रहता है, और जो पेड़ बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे धीरे, उसको खाद पानी की जरूरत होती है, वो ईशान कौन होता है। ये दिशाओं का ज्ञान इतना आसान नहीं है, लेकिन चल रहा है। इसलिए हम कमाते हैं दक्षिण दिशा से, और उसके सामने उत्तर दिशा होती है, वहां पे रख सकते हैं। अगर आपकी तिजोरी उत्तर दिशा में रखी है, उत्तर दिशा के कमरे में रखी हुई है, लेकिन यहां भी ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उत्तर दिशा के कमरे में तो रखी है, लेकिन अगर तिजोरी का खोलते वक्त या आपने अलमारी में पैसा रखा, सबके घर में तिजोरी नहीं होती, अलमारी में रख देते हैं कुछ लोग जिनके पास सैलरी आती है, अगर वो खुलते वक्त आपका दक्षिण की तरफ जाता है तो भी गलत है। उस रूम में, उत्तर वाले रूम में इस प्रकार से रखें कि उस तिजोरी की पीठ दक्षिण की तरफ हो, और जब आप खोलें तो कुबेर की तरफ हो, यानी जैसे ही आपने तिजोरी खोली धन दिखेगा, कुबेर का आशीर्वाद आपको आएगा, तो वहां पर पैसा आपके पास बचा रहे। पहला पॉइंट, साउथ वेस्ट में तिजोरी नहीं रखनी या धन नहीं रखना, अगर आपने रखा तो पैसा नहीं बचेगा। दूसरी चीज, गलती से अगर आपने साउथ वेस्ट के रूम में रखा हुआ है, बुजुर्ग है, और उसका मुंह भी अगर आपने साउथ वेस्ट में कर रखा होगा तो और सत्यानाश होगा। तीसरा पॉइंट, उत्तर में रखें, और उत्तर में रखते हैं तो उसका मुंह उत्तर की तरफ ही खुलना चाहिए, अगर उसका साउथ या साउथ वेस्ट में मुंह खुलेगा अलमारी का तो भी ठीक नहीं। तो ये दो पॉइंटों को ध्यान रखना होगा। मजबूरी बस आपके पास रूम ही छोटा है एक उत्तर फेस का है, तो आप उस रूम के अंदर ऐसे हिसाब से अपने कैश को, तिजोरी को रखेंगे, जब खोलें तो उत्तर दिशा में वो खुले, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसलिए सही जगह पर सही चीज को रखना वो जरूरी होता है। जैसे कि आप दवाइयों को साउथ में रख देंगे तो कुछ सारे पैसे होते हैं खराब हो जाएंगे, क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, उनको कूल जगह की जरूरत होती है, ठंडे एरिया की जरूरत होती है, तो वहाँ पर रखे जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें, कनक खाने की चीज़ें, नमकीन बिस्कुट, उनको ठंडे एरिया में रख दोगे तो खराब हो जाएंगे, फफूंद जाएंगे, उनमें गीलन आ जाएगी, सीलन आ जाएगी। उनको रखा जाता है साउथ ईस्ट में या साउथ में, वो गर्म बने रहेंगे हीट से, तो आपको कुरकुरे लगेंगे, तो आपको स्वाद लगेंगे। इसलिए वास्तविक विज्ञान है, इसकी एक एक चीज के मायने होता है। इसी प्रकार अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर आपका कैश बॉक्स, जहां से तनख्वाह बांटते हैं अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, अगर वो गलत जगह पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर उस फैक्ट्री में उन्नति नहीं होगी। आपकी दुकान का कैश बॉक्स, आपकी दुकान का गल्ला, आपकी आड़त का गल्ला गलत दिशा में, तो कितना भी आप कमा लें आपके पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि जाने का स्रोत आपका ज्यादा बड़ा है, आने का स्रोत आपका छोटा रहता है। तो मित्रों, आपको भी इस प्रकार की तकलीफ, धन में अपार पैसा चाहिए, घर में पैसा बचता नहीं, करोड़ों आता है करोड़ों चला जाता है, रोकना चाहते हैं और आना भी चाहिए, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। अपनी फैक्ट्री, अपना घर,
अपना वास्तु प्रोजेक्ट, अपनी मिल, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, नए वास्तु मकान बनाने के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए, फार्म हाउस बनाने के लिए, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगा नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।